गहलोत ने हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। भवानी देवरा इस वक्त हमारे साथ हैं। भवानी, ये जो तस्वीरें दिख रही है इसमें दुकान और ये बाइक है जिसमें और ये युवक देखिए हाथ में तलवार लेकर चल रहा है। ये हाथ में तलवार लेकर किसको धमकाने की कोशिश हो रही है, किसके पीछे चलकर पत्थर फेंकने की बात हो रही है, ये भी देखना पड़ेगा। ये सारे उपद्रवी एक साथ मिलकर उन दो युवकों के पीछे क्यों पड़े थे जो बाइक में जा रहे थे, वो बाइक में कहाँ से आए और ये मोहल्ला कौन सा है बताया जा रहा है। जब हम रंजन दवे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे जो जोधपुर से हमारे साथ लाइव हैं। अब आप अगर सीसीटीवी तस्वीरों को देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां कुछ हो नहीं रहा, शांति है, लेकिन ये युवक इसके हाथ में आप देखिए तलवार है और फिर ये इससे तलवार लेता है, इसको देखिए, और फिर वो किसी को, ये जो बाइक में जा रहे हैं इनके पीछे ही ये उपद्रवी पीछे उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं, ये दो भी उसी के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये जो लास्ट में गए थे यही वापस बाइक में जाते हुए दिख रहे हैं और ये सारे युवक खुलेआम पत्थर भी लेकर घुमा रहे हैं और ये अपने चेहरे पर नकाब डालने के बाद फिर हाथ में तलवार लेता है, ये अपना चेहरा ढकने के बाद हाथ में तलवार लेता है। ये युवक इसके मुंह से जैसे ही नकाब गिरता है तो अपना चेहरा छुपाने के लिए देखिए वो ये नकाब ऊपर करने के बाद फिर हाथ में तलवार लेता है। तो क्या कहीं झगड़ा हुआ, झड़प हुई या कोई बात कहा सुनी हुई जिसके बाद तलवार निकाल कर लेके आ गए? ये कैसे है कि मोहल्लों के अंदर लोगों के पास तलवारें मौजूद हैं और ये तलवारें किस लिए निकाली गई, ये सब पूछा जाना चाहिए। और इन दुकानों पर आप देखें यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा काम कर रहा है, वो डर के मारे अंदर भाग जाता है। अभी आपके सामने तस्वीरें आएंगी, आप तस्वीरों में आप थोड़ी देर में देखेंगे कि एक व्यक्ति यहाँ शुरू में बैठा था अंदर भाग जाता है। ये सारी दुकानें हैं जिसमें कहा गया है बाद में कि तोड़फोड़ भी हुई है, ये सीन है। आप देखिए भवानी इस वक्त हमारे साथ है। भवानी, बताया जा रहा है ये जो ग्रुप है उपद्रवी जिनके हाथ में तलवार है, अब मोहल्ले के अंदर तलवारें कैसे हैं इनके पास, ये एक और सवाल है। आपके साथ किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है लेकिन पत्थरों के साथ साथ ये तलवार लेकर घूम रहा है और ये जानता है कि शायद यहाँ सीसीटीवी लगी हो, इसीलिए अपने चेहरे पर नकाब लगाकर भी आया है। बताया जा रहा है ये ग्रुप जो फुटेज आपने एक्सेस किया है ये वापस जाकर फिर थोड़ी देर बाद फिर आता है और फिर और भी तोड़फोड़ की है उन्होंने। देखिए आनंद, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर सवाल हम बार बार इस बात की ओर इशारा लगातार ये सीसीटीवी फुटेज कर रहा है कि अगर एक ग्रुप निकलता है उसके बाद में तलवार हाथ में लेते हैं और नकाब अपने ऊपर डालते हैं, यानी कि उनको सब अच्छी तरह से पता है कि कहाँ सीसीटीवी है और कैसे उससे बचना है। एक प्लान वे में अगर ऐसी साजिश होती है तभी ऐसा मुमकिन है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इशारा जो सीसीटीवी कर रहा है उसे और ही कर रहा है। अब सबसे पहले हम पुलिस से ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये तस्वीरें अगर पुलिस देख रही है तो ये युवक जो हाथ में तलवार लिए हुए हैं, ये जो ग्रुप है 50 का ग्रुप है, इनको आइडेंटिफाई करके सबसे पहले इनको डिटेन करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये जो ग्रुप निकला क्या इसके पीछे भी कोई लोग है, क्या जोधपुर के अंदर हिंसा की साजिश हुई है। सबसे बड़ा मसला है, देखिए आनंद, अगर कहीं पर भी कम्युनल टकराव एक अपने आप में अलग मसला है, कई बार इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे अगर साजिश रची गई हो तो ये बड़ा मसला है और ये सुरक्षा के लिए, जोधपुर की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि उसके बाद में आप ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि आप देखिए कि रात को हिंसा होती है, उसके बाद में सब कुछ पुलिस के लिए नॉर्मल हो गया और उसके बाद में सुबह नमाज होती है और उसके बाद में फिर वही हिंसा बढ़ जाती है और उससे ज्यादा तोड़फोड़ की जाती है, दुकानों में जमकर सुबह तोड़फोड़ की गई। तो ये तमाम इन चीजों की ओर इशारा कर रहा है कि क्या इस हिंसा के पीछे कुछ लोग तो नहीं है जिन्होंने साजिश तो नहीं रखी है, ये ग्रुप है, ये कौन है और इनको किसने भेजा है,
ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। ये लोग हैं जो ग्रुप के लोग हैं, ये कौन है ये आइडेंटिफाई करना बेहद ये कर रहे हैं कि पुलिस कब एक्शन लेती है। जी जी, और ये पुलिस की गाड़ियों को भी अटैक किया गया है और बताया जा रहा है कि वहाँ जो हिंदू सोनार तरफ की दुकानें थी और वहाँ पर महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, और वहाँ पर भी इन्होंने तोड़फोड़ की है, वहाँ पर भी जाकर अटैक किया है। एक एक चौक है जिसको सिलवटा बास की बात कह रहे हैं, जहाँ पर का एक तरफ हिंदू रहते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम मोहल्ला है और बीच में चौक है, और वहाँ पर भी अभी तनाव अभी भी बना हुआ है, बावजूद इसके कि 144 की धारा लगाई गई है और वहाँ अभी पुलिस मौजूद है। वहाँ पर स्थानीय कह रहे हैं कि जानबूझकर 50-60 लोग घुस गए हिंदू इलाके में, घुसकर तोड़फोड़ की है, बाइक वाइक भी तोड़ दिया और गाड़ियों को भी पत्थर मार दिए। अब इससे पहले पुलिस के खिलाफ भी आज सुबह एक तरीके से एक्शन देखा गया, तो क्या क्या अभी इन्वेस्टिगेटर्स ये कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है, जानबूझकर कुछ उपद्रवी घुसे हैं जो जानबूझकर पूरी तैयारी के साथ आए थे कि किसी ना किसी तरह बवाल मचाना है? देखिए आप आनंद, यही सबसे बड़ा सवाल है और आप पुलिस से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस बात का को लेकर खुलासा करें, और खुलासे से पहले ये लोग इनको डिटेन करना बेहद जरूरी है, जो आइडेंटिफाई सीसीटीवी कैमरे के अंदर नजर आने इनका पता लगाया जाए और इनको इनको अरेस्ट किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी सवाल है कि आप आनंद अंदाजा लगाइए कि भीड़ किस तैयारी के साथ हिंसक रूप में आई है। रात को जो बीजेपी के सुरसागर की विधायक है सूर्यकांत अयास, उनके घर के सामने जाकर वहां पर बवाल किया, विधायक परेशान हो गई, उनको पुलिस को सूचना देनी पड़ी और उसके बाद में भी उनके यहाँ रात में बवाल नहीं थमा। तो जब विधायक के घर के सामने जाकर बवाल कर सकते हैं, तो जिस मोहल्ले का आप जिक्र कर रहे हैं वो मोहल्ला आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक वहां पर कभी ऐसा बवाल नहीं हुआ, और जब एक भीड़ आती है और मोहल्ले के अंदर घुस जाती है, उसके बाद में कतार से वहां पर जो गाड़ियां थी गाड़ियों को तोड़ा गया, जमकर तोड़फोड़ की गई, जो दुकानें थी उनको तोड़ा गया, और कुछ दुकानदारों की जो फुटेज आए उसमें उनके साथ में पिटाई भी की गई है। तो ये इस तरीके से इंटेंशनली कोई रोल नहीं है। आप देखिए नहीं पर, पर ये उपद्रवी अगर वहाँ के स्थानीय हैं, कुछ लोगों को तो चिन्हित किया जा सकता है, पहचान को उनकी शिनाख्त हो सकती है, क्योंकि कुछ के चेहरों पर तो ये नहीं है, कुछ के चेहरों पर नकाब नहीं है, और जो नकाब पोश हैं उनके भी चाल चलन से पता लगाया जा सकता है कि ये स्थानीय है कि बाहरी है। दूसरी बात यह है कि अगर मामला कंट्रोल में था तो फिर से झड़प कैसे हो गई, और लोगों का कहना है कि वहाँ पुलिस बंदोबस्त था ही नहीं, पुलिस तो बाद में पहुंची, आप पुलिस की भी पिटाई हुई है, 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। देखिए आनंद, जब वहां पर हालात बिगड़े थे उस वक्त पुलिस वहां पर नहीं, एक आई विटनेस थे जो आप पत्रकार थे मौके पर, रात को जब ये घटनाक्रम हुआ था 1 बजे के आसपास, तो वहां पर कोई नहीं था, एक फोटोग्राफर थे वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने समझाने की कोशिश की, जब वो झंडा उतार रहे थे और अपना झंडा लगा रहे थे तो उनको उन्होंने ये समझाइश करने की कोशिश की कि आप इसको क्यों उतार रहे, इसके बगल में आप अपना झंडा लगा दीजिए, जिससे वो दोनों पक्षों को समझाइश कर रहे थे कि भाई झगड़ा मत करिए आप भी लगा दीजिए, तो उन्हीं की पिटाई कर दी गई और वो अस्पताल में भर्ती है, लहूलुहान हो गए, और उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को उस वक्त फोन किया कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, तो पुलिस को पता ही नहीं था, वो कह रहे हैं कि पुलिस कह रही कहाँ झगड़ा हो रहा है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, तो उनको बताया गया कि नहीं झगड़ा हो रहा है और यहाँ पर अभी मैं होके पे हूँ, मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ रहा, जल्दी कोर्ट भेजिए। उसके बाद में काफी देर बाद में पुलिस पहुंचती है, आप तो अंदाजा लगाइए कि कोई जोधपुर का आउटर इलाका नहीं है, जालोरी गेट जोधपुर का हार्ट है, और वहां पर पुलिस की सुरक्षा इतनी भी होनी चाहिए थी कि जब पता था कि परशुराम जयंती की यात्रा निकली है और आज कल ईद है, तो अब आप और एक एक तरफ ईदगाह है और तो एक तरफ मंदिर है, तो उनको ये सुरक्षा वहां पर रात को कड़ी करनी चाहिए थी, रात को पुलिस होनी चाहिए थी, लेकिन डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात और सोचिए कि आनंद, परशुराम जयंती आज मनाई जानी थी, लेकिन जो समुदाय विशेष के लोगों ने ये सोचते हुए कि कल ईद है इसलिए उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए एक दिन पहले मना ली गई, जो कल कार्यक्रम किया गया शाम को, जिससे कि आज परेशानी नहीं हो, उसके बावजूद भी रात को ये घटनाक्रम हो जाता है और पुलिस एक तरह से पुलिस को कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा, रात को लेट से जागी पुलिस, और रात को अगर डिप्लॉयमेंट अगर बढ़ाया जाता, अगर वहां पर बाकी पुलिस फोर्स आती और रात को इनको अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाता, जिस हम भीड़ की बात कर रहे हैं 50 लोगों का जो ग्रुप बाइक के ऊपर निकला, अगर रात को पुलिस अगर सख्ती करती तो इनको दबोचा जा सकता था, और अगर इनको दबोच लिया जाता तो आप सुबह जो हिंसा बढ़की उसके चांसेस कम रहते, लेकिन रात को पुलिस की ओर से
स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ, जिसका नतीजा यह रहा कि सुबह फिर हिंसा भड़क गई। और सुबह आप देखिए कि सुरक्षा, ये पता था पुलिस को कि रात को हिंसा भड़की है, इस तरीके से हुई है। उसके बाद में वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाना था, सुरक्षा कड़ी करनी थी, नमाज होती है, नमाज पुलिस करवाती है, पुलिस की मौजूदगी में नमाज होती है, और उसके बाद में आप देखिए जाती है, उसके बाद में तोड़फोड़ कर देती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का कितना फेलोर है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के नए गृह मंत्री है, उनका गृह इलाका है, वो खुद जोधपुर से आते हैं, वो जोधपुर पे उनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है, उसके बावजूद भी जोधपुर के अंदर ये हालात हो रहे हैं। जी भवानी, एक बात बताइए, आपने कहा एक प्रेस फोटोग्राफर है जो कि प्रत्यक्ष थे कि जब ये जानबूझकर ये उकसाने की बात की गई और वहां पर लगे हुए भगवा झंडे को उतारकर हरे झंडे को लगाने की बात हुई और जब इन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की तो उनको ही पीटा गया, अब कैसे हैं वो फोटोग्राफर, वो ठीक है कि नहीं? आपने कहा उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा था, लहूलुहान हो गए थे। देखिए अब वो बेहतर है पहले से, लेकिन जो उनकी तस्वीरें हैं वो अपने आप में ही बता रही है, और पूरा उनका एक वीडियो सीक्वेंस है जिसमें उन्होंने अपनी जो हुई पुलिस से बात कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने कैमरे पे उन्होंने बताया, पुलिस से बात करते हुए जब वो बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पुलिस को बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं कि देखिए कि यहाँ पर हिंसा हो गई, लहूलुहान, उन्होंने वो सारी स्थिति बता रहे हैं। वो जो जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को नरेट कर रहे हैं वहां मौके से और जो बता रहे हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि जोधपुर के अंदर पुलिस का कितना बड़ा फेल्योर था या पुलिस ने लापरवाही बरती, हुआ क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर जालोरी गेट पर मेन जगह पर जहां पर ये अगर हो जाता है, और वो भी तब जब उनको पता है कि एक तरफ ईदगाह है, सुबह नमाज होनी है और उसको लेकर सुरक्षा, कल कहा गया था सुरक्षा कड़ी की गई, उसके बावजूद भी सुरक्षा नजर नहीं आई, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा होता। पुलिस बार बार कहती है कि सुरक्षा थी, अगर सुरक्षा थी तो जो जिस हम जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं उनका वीडियो एविडेंस बता रहा है कि किस तरीके की सुरक्षा थी। जी बिल्कुल, तो क्या क्या इस संभावना, ये जो घटना घटी है इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्या पुलिस की तरफ से बंदोबस्त में कमी थी, ये सारे तो सवाल है। लेकिन ये उपद्रवी कौन है, ये कौन लोग हैं जो अपने घरों में, अपने आसपास मोहल्ले में इस तरह से तलवार और अन्य हथियार लेकर घूम रहे हैं, और इसकी इजाजत कैसे दी जा रही है? क्योंकि ये तो वैसे ही अवैध है कि आप अपने घर में इस तरह से तलवार रखकर और फिर दिन दहाड़े तलवार घुमा रहे हैं, आप तलवार दिखाकर लोगों का पीछा कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, डरा रहे हैं, ये तो सरेआम सरासर गुंडागर्दी है भवानी, इसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। देखिए गुंडागर्दी तो है ही है, सबसे बड़ी बात है कि जब आज ही 144 लगी हुई है, उससे पहले एक कायदा होता है कि पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है, ये देखती है कि कहीं कोई ऐसी साजिश तो नहीं रखी जाती है दंगा भड़काने की, कहीं हथियार तो नहीं है, इन तमाम चीजों पे पुलिस का काम है, ड्यूटी है जो करती है। और इस वक्त जब पूरे राजस्थान के अंदर सिचुएशन इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है, करौली हिंसा के बाद में या अलवर की जो घटना हुई उसके बाद में, उसको देखते हुए कल ही कहा गया था कि 144 है और सुरक्षा बढ़ाई गई, तो वो जो बंदोबस्त पुलिस के किए गए ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुए, और ये हथियार लेकर कैसे घूमते रहे, पुलिस कहाँ थी, ये तमाम तरीके के सवाल हैं। और रात को अब आप फर्ज करिए कि ये सब कुछ खुलेआम घूम रहे हैं और उसके बाद में वो भी उस मेन बाजार में से, और उसके बाद में पुलिस को क्या जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी नहीं थी तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और क्या ये केवल एक ही ग्रुप था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के अंदर आया, हो सकता हो कि और ग्रुप भी हो, क्योंकि अभी बाकी जगह से कई और जगह से सीसीटीवी आते हैं तब सामने आएगा। लेकिन अगर 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 इतना बड़ा ग्रुप जा रहा है तो इसका मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं हिंसा की साजिश रची गई। ये जो आज वो भी है, और आज सुबह की जो तस्वीर है उसमें भी कई लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जो शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो उकसा रहे हैं, कुछ है जो जानबूझकर कह रहे हैं कि नहीं हमको बवाल काटना है, हमको करना है, हमको उकसाना है लोगों को, हमको नारेबाजी करनी है, झगड़ा फसाद पैदा करना है, तो ये उपद्रवी कौन है, ये इंस्टिगेटर्स कौन है, ये पता करने की आवश्यकता है। और जब ऐसे तस्वीरें सामने आती हैं तो लगता है कि क्या कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी कि जानबूझकर किया जाए और तनाव भड़काया जाए।